as a linguist, I am seeking a active passive voice. Active और passive voice में सबसे important होता है आपका object और दूसरा important होता है verb की third form. आज हम सीखेंगे कि verb से हम passive voice कैसे बना सकते हैं. Verb के according हम लोग कैसे passive voice बना सकते हैं, उनके क्या meaning होते हैं. Yes, जरूर देखिएगा फर्स्ट क्लास से या पूरा पैसिव वॉइस की क्लास अंदर देखिएगा, कोई भी क्लास मिस मत कीजिएगा क्योंकि तभी आपको अच्छे से पैसिव वॉइस आ सकते हैं. ये मेरा मानना है कि अगर आप मेरी पैसिव वॉइस की सारी क्लास देखेंगे तो आप पैसिव वॉइस को बोलना और प्लस पैसिव नंबर पाने के लिए आप पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं वो भी आप सीख जाओगे. ओके ओके लेट्स सी. फर्स्ट इज गिव. गिव माया देना, ये वर्ब है, हमें वर्ब का पैसिव बनाना है. तो कैसे बनाएंगे आप? To be given. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा. ठीक है, इतना ध्यान रखना है. आपने एक वर्ब का पैसिव वॉइस बनाया है. पैसिव वॉइस में क्या होता है? पैसिव वॉइस होता है बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म. पैसिव वॉइस का मेन जो फंडा है आपको ध्यान रखना है बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आपको रखनी होती है. और ये आपको सोचना होता है ये भी हमारा अलग प्रकार से टेंसेस में चेंज होता रहता है. ऐसे हेल्प, टू बी हेल्प, यस मदद करोगे तो तुम्हारी भी मदद की जाएगी. अगर तुम मदद करोगे तो तुम्हारी भी मदद की जाएगी. हेट मतलब होता है घृणा करना, नफरत करना. नफरत करोगे तो तुमसे भी नफरत की जाएगी. यस आस्क, टू बी आस्क्ड, पूछोगे तो तुमसे भी पूछा जाएगा. यानी अगर तुम पूछोगे तो तुमसे भी कुछ ना कुछ पूछा जाएगा. आस्क का asked. ऐसे फिर मैंने बताना, बताओगे तो तुम्हें भी बताया जाएगा. बीट, पीटना, यानी पीटोगे, यानी तुम अगर किसी को पीटोगे टू बी बीटन तो तुम्हें भी पीटा जाएगा. यस, बीट, टू बी बीटन. नेक्स्ट है लव, टू बी लव. अगर आप किसी के लिए अच्छा अच्छा बोलोगे, ठीक है, उसे बहुत प्यार करोगे तो तुम्हें भी प्यार किया जाएगा. तो लव, टू बी लव. इसको उधर डांटना, डांटोगे तो तुम्हें भी डांटा जाएगा. आप सोच लो ये सारे सेंटेंस क्या है, तुम्हें करना है. यू गिव, यू हेल्प, यू हेट, यू आस्क, यू टेल, यू बीट, यू लव, यू स्कोल्ड. यानी कि तुम अगर दोगे तुम मदद करोगे, तुम नफरत करोगे, ठीक है, तुम पूछोगे, तुम बताओगे, तुम पीटोगे, तुम प्यार करोगे, तुम डांटोगे, ठीक है. तो अब इसको उल्टा क्या हो जाएगा? क्लियर? टू बी गिवन टू यू, तो ये चीज तुमको दी जाएगी, ठीक है. यानी एक नर्सेस प्रकार से है, आप ऐसे समझोगे टू बी गिवन, इस तरह से आपको सोचना है, ठीक है. अगर आप ये एक्शन करोगे मींस यू हेट, अगर तुम नफरत करते हो तो क्या होगा? यू टू बी हेटेड, तो तुमसे भी नफरत की जाएगी. You to be hated. तो प्लीज इस तरह से कुछ वर्ब को आप बनाइए और इस प्रकार से काम कीजिए, उनके मीनिंग को देखिए क्या होता है, ठीक है.
और क्या लिख सकते हैं, जैसे टीच, टीच मैंने पढ़ाना, तो क्या होगा टू बी टॉट, टीच मैंने पढ़ाना या सिखाना, यानी अगर तुम सिखाओगे तो तुम्हें भी सिखाया जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, ये जो पार्ट है फर्स्ट पार्ट, ठीक है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पर है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में हमेशा हमेशा आती है। तो ये फर्स्ट पार्ट है जो मैं चाहता हूं कि आप हमेशा ध्यान रखें कि पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आती है। तो दिस इज द पैसिव वॉइस और दिस इज द एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस इस तरह से बनते हैं और पैसिव वॉइस इस तरह से सोच के बनते हैं। प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे अर्न है तो टू बी अर्नड, लाइक दिस यू कैन लर्न द वर्ड मीनिंग। सो आप डू दिस बाय योरसेल्फ। ओके, इस प्रकार से आप होमवर्क कर सकते हैं घर पे, जैसे मेक का टू बी मेड, कुक टू बी कुक्ड, से टू बी सैड, मीट टू बी मेट, सिंग टू बी सम, टू बी वॉश्ड, टू बी सीन एंड टू बी फिनिश्ड। सो लाइक दिस इज अ प्रैक्टिस पार्ट। इस प्रकार से आपको थर्ड फॉर्म याद हो जाएगी और आपको पता चलेगा फर्स्ट फॉर्म है ये थर्ड फॉर्म है। ऐसे आप तकरीबन 40-50 वर्ब लिखिए और इस प्रकार से प्रैक्टिस कीजिए। तब आपको पहले वर्ब याद होना चाहिए। पैसिव वॉइस का मेन पार्ट है, आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है तो थर्ड फॉर्म आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये पता चलेगा अगर ये वर्ब है तो मुझे पैसिव वॉइस में यही वर्ब लगानी है, अगर ये है तो मुझे ये वर्ब लगानी है, ठीक है। ये सिर्फ एक प्रैक्टिस है कि इस प्रकार से आप 40-50 वर्ब प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपके दिमाग ये रहेगा कि मैं वर्ब के पैसिव वॉइस बना रहा, ठीक है। आगे मैं आपको नई नई पैसिव वॉइस की क्लास दूंगा, उसकी सोच मैं आपको डिफरेंट दूंगा, ठीक है। बस ये पहला पार्ट था पैसिव वॉइस का, ऐसे में स्पीकिंग में यूज कर सकते हैं और ग्रामेटिकल तरीके से भी हम लोग मार्क्स पाने के लिए हम पैसिव वॉइस स्कूल में आते हैं, एग्जाम में आते हैं, वो भी हम सीख सकते हैं, ओके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें। आई होप यू मस्ट हैव लाइक माय वीडियो।